भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थरथर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण यह है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आपके पसीने छूट रहे हैं, आप थर थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको ये जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हमारे पास कब आओगे? हम व्याकुल हैं, हम चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप आइए और एक नया घोटाला करें, जैसे मसाज घोटाला किया था, मसाज करवा रहे थे पॉक्सो एक्यूज से, वैसे ही जब शराब घोटाले के किंगपिन अंदर जाएंगे, जो अब यकीन हो रहा है कि इनको अंदर जाना पड़ेगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, एक मुख्यमंत्री जो कि संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान और कानून का पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। पहला समन, विधानसभा चुनाव है इसलिए नहीं जा पाऊंगा जी। दूसरा समन, विपासना करनी है मुझे, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। तीसरा समन, लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा समन आया और बताया ये जा रहा है, आप सब पत्रकार बंधुओं को ज्यादा जानकारी होगी, एक अवार्ड सेरेमनी थी, नाम था एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड, वहां पे हमारा जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जनता दिल्ली की और देश की ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल तो केवल एक्सेलेंस इन करप्शन अवार्ड में मुख्य अतिथि बने और एक कोचिंग सेंटर खोले, किस तरह से घोटाले होंगे, टॉयलेट को क्लासरूम बता दूंगा मैं, दिल्ली के लिए बस खरीदूंगा उसमें मैं घोटाला कर दूंगा, मैं कसम खाता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद शीश महल अपना बनाऊंगा, घोटाला कर दूंगा। और अब शराब घोटाले के किंगपिन हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके ईडी के प्रश्नों का सामना कर सको। कुछ प्रमुख बातें इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो, साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं। अराजकता का पर्याय कोई है? जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और
दूसरा बड़ा सवाल जो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जहां पे भी जो उनके शराब कारोबारी घोटालेबाजों के साथ बैठ के ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं बताएं, पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को आपको जांच एजेंसी के सामने जाना था, करीब करीब 2.5 महीने का समय बीत चुका है। ये जो लंबे लंबे पत्र आप जांच एजेंसी को लिखते हैं उसकी बजाय आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कोर्ट जाके सारे साक्ष्य दलील अपनी रख दें? और मैं पुनः कहूंगा, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, लेकिन अब ये यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने ये जो घोटाला किया है हजारों करोड़ रुपए का, जैसे 10.5 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, संजय सिंह 3.5 महीने से बेल नहीं पाए अंदर है, तो अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और बिल्कुल स्पष्टता से ये बात कह दे, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी, आपके कन्वीनर सुन लो, कानून से ऊपर तुम हो नहीं। और जैसे किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए जमीन पर कदम रखने ही पड़ते हैं, इसी तरह से ये बात जान लो, जो भी मुजरिम हो, जो भी व्यक्ति हो जिसको समन दिया है, वो कुछ समय कानून से भाग तो सकता है पर बच नहीं सकता है। बचने वाले नहीं हो आप अरविंद केजरीवाल। ये जो सरकार है ये आज पर्याय है ईमानदारी की, ये पर्याय है कि अगर घोटाला करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैंने तमाम उनके वक्तव्य देखे, अभी भी चल रहा था, मैं केवल याद दिला दूं भारतीय राजनीति के गजनी को जिनकी याददाश्त चली गई, कि ये आपका वक्तव्य है अरविंद केजरीवाल जी कि मैं भारतीय राजनीति में कदम इसलिए रख रहा हूं कि मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और फिर से याद दिला दूं आपको कि आप ही ने कहा था किसी भी राजनेता पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और जब उसका नाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसे पुनः राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का पर्याय है और जो गंदगी उन्होंने मचाई है, जो उदाहरण उन्होंने जनता के बीच में पेश किया है, ये चिंताजनक है कि एक मुख्यमंत्री आज भारत के संविधान को तार तार कर रहा है और अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। ये बचने नहीं पाएंगे। धन्यवाद।